ये देखिए, आपके लैपटॉप का इंटरनल हार्ड डिस्क एक रिमूवेबल डिस्क की तरह शो कर रहा है। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करें। इसके बाद डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करें। अब डिस्क ड्राइव्स पे क्लिक करें और वो ड्राइव को चुनें जिस पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है। उसका प्रॉपर्टी चेक करें और वहाँ से आपको बस नंबर नोट करना है, जो कि यहाँ बस नंबर 0 है। 0 को नोट कर लें। अब स्टार्ट पे राइट क्लिक करके विंडोज पावर सेल खोलें। ये कमांड पेस्ट करें और इसके लास्ट में आपको वो बस नंबर को डालना है, जो कि यहाँ पर 0 था। आपका बस नंबर जो भी हो वो वहाँ पर डालें, फिर एंटर प्रेस करें। दिस ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। पर प्रॉब्लम अभी भी शो कर रहा है। जस्ट रीस्टार्ट कर ले।